ये स्टूडेंट्स, आज डिमांड वाले चैप्टर की थर्ड क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? और बेटा, आज की क्लास सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। इस टॉपिक में से 110% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है? चलिएगा जी, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड। अगर सिंपल वर्ड्स में समझें तो किन किन बातों पे किसी चीज की डिमांड डिपेंड करती है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं, आपको क्या लगता है कि किन किन चीजों पे डिमांड डिपेंड करती है? अच्छा, एक तो आपको दिखे क्या होगा, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, कि सर अगर प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाता है डिमांड कम हो जाती है। मैं मान गया आपकी बात, ठीक है? जिन बच्चों ने +2 में इको नहीं पढ़ा, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत आसान टॉपिक है बेटा, बहुत ही आसान। अभी चुटकी बजाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, देखो, ठीक है? आप मेरे को ये बताओ, अच्छा वो वाले बच्चे बताओ जिन्होंने +2 में इको नहीं पढ़ा है, वो बताओ कि आप अगर किसी चीज को परचेज करने जाते हो, किसी चीज की डिमांड करते हो, प्राइस के अलावा क्या किसी चीज का फर्क पड़ता है? हाँ जी सर, पड़ता है, बिल्कुल। बताओ फिर किस किस चीज का? इनकम का फर्क पड़ सकता है। आपकी इनकम ज्यादा है तो आप ज्यादा चीजें खरीदोगे, कम है तो कम खरीदोगे। मौसम का फर्क पड़ता है क्या? अगर बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ रही हैं तो वूलन परचेज करने जाओगे क्या? नहीं सर, वो तो हम सर्दियों में परचेज करते हैं। तो फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया, है ना? तो काफी सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके सारे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। लेकिन फिर से वही बात रिपीट कर दूं, नोटबुक बनाना कंपलसरी है। नोटबुक नहीं बनाओगे तो बाद में मेरे को मत बोलना कि सर समझ नहीं आया हमें, ठीक है? तो एक एक करके पॉइंट पढ़ेंगे। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड, 6-7 पॉइंट्स होंगे। नंबर 1 इज प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। जिस कॉमोडिटी की बात कर रहा हूं उसी के प्राइस की बात कर रहा हूं बेटा। जैसे प्राइस बढ़ेगा तो बताओ डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस कम होगा तो सर डिमांड ज्यादा हो जाएगी, ऐसे करते ना हम लोग। देखो, अदर थिंग्स बिंग इक्वल, बाकी सारे बातें सेम रहे तो डिमांड ऑफ ए कॉमोडिटीज इनवर्सली, इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा होना। देखो, एक साइन ऐसे जाता है, एक साइन ऐसे जाता है, इसको बोलते हैं इनवर्स। एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, इसको भी इनवर्स कहते हैं। ये इनवर्स है ना, देखो यहाँ पे, यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी? कम होगी, उसे कहते हैं इनवर्स। आगे जब पढ़ाऊंगा ना, वहां पे एक ये भी आएगा, पॉजिटिव रिलेशन। ये सप्लाई वाले में पढ़ेंगे हम लोग। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? प्राइस बढ़ा, सप्लाई भी बढ़ गई। प्राइस कम हुआ, सप्लाई भी कम होगी। दोनों एरो सेम डायरेक्शन में, या तो दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों एरो क्या हो रहे हैं बेटा? डाउन हो रहे हैं। इसको पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं। खरी अभी हमारे काम की बात नहीं है, अभी तो हमने क्या सीखना है? इनवर्स रिलेशन सीखना है। तो इनवर्स का मतलब क्या? एक चीज बढ़ेगी, दूसरी क्या होगी? कम होगी। तो डिमांड ऑफ ए कॉमोडिटीज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस, यानी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। कोई बात है इकोनॉमिक्स वाली इसमें? ये तो बिल्कुल सिंपल ही बात है ना, ये तो सारे बच्चे जानते हैं। किसी भी कोई गली में बंदा जा रहा है, उससे पूछ रहा कि भाई साहब ये बताओ, जब चीजें महंगी हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं? डिमांड बढ़ाते हैं कि कम करते हैं? क्या बोलेगा? डिमांड कम करते हैं। और जब चीजें सस्ती हो जाएंगी तो डिमांड ज्यादा हो जाती है। वेरी सिंपल। हेंस एट लोअर प्राइस हायर क्वांटिटी विल बी डिमांडेड, ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड की जाएगी। एंड एट हायर प्राइसेस लेसर क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी विल बी डिमांडेड। वेरी सिंपल। सो ए राइज इन प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी लीड्स टू फॉल इन इट्स परचेज क्वांटिटी। कि प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा? परचेज क्वांटिटी फॉल करेगी, यानी कि कम हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब होता है इसके उल्टा भी ठीक है। मतलब क्या? अगर राइज इन प्राइस है तो फॉल इन क्वांटिटी है, तो इसका मतलब क्या? अगर फॉल इन प्राइस होगा तो राइज इन क्वांटिटी हो जाएगा। वैसे वर्षा का मतलब समझ में आ रहा है कि जो बात हमने यहां लिखी, जो ये बात पहले लिखी है, अगर इसका उल्टा हो जाएगा तो वो भी ठीक होगा, ठीक है? तो देखो क्या क्या बातें समझ में आई।
क्या क्या बातें क्या, एक ही तो बात बताइए, और वो भी बिल्कुल छोटी सी बात बताई है, और वो भी ऐसी बात जो तुम पहले से ही जानते हो। ये जानते हो ना कि प्राइस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो हम ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात समझ लो ध्यान से, मैंने बोला प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। प्राइस का इफेक्ट किस पे बता रहा हूं, डिमांड पे बता रहा हूं कि प्राइस चेंज होने से डिमांड में क्या फर्क आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा आपको डिमांड का उल्टा हो जाएगा। देखो अगर डिमांड बढ़ जाती है किसी चीज की, आप नॉर्मल समझो मार्केट में अगर हम लोग जाएं और किसी चीज की खूब डिमांड हो रही है, खूब डिमांड हो रही है, ऐसा समझो नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों में फ्रूट कैसे हो जाते हैं, सस्ते के महंगे, सस्ते हो जाते हैं नहीं, महंगे हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड क्या है, ज्यादा है। जब किसी चीज की डिमांड नहीं होती तो प्राइस कम हो जाएंगे। तो देखो बेटा ध्यान से समझो दो चीजें, यहां पे मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड, ये सिखा रहा हूं बेटा, और यहां क्या सिखा रहा हूं, इफेक्ट ऑफ डिमांड ऑन प्राइस बता रहा हूं। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ये एरो को ऐसे मत समझ लेना कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो डिमांड नीचे आ रही है, तो ऐसा कर दो डिमांड नीचे जाएगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, ये गलत है बेटा। यहां डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे पड़ना है। आप मुश्किल लग रहा है, दोबारा बताता हूं सुनो, अगर प्राइस का इफेक्ट देखेंगे डिमांड पे तो इनवर्स रिलेशन है, प्राइस बढ़ेगा तो रट्टा नहीं लगाना, सिंपल समझो बेटा। तुम बाजार में गए, मार्केट में गए, कोई चीज पहले 10 रुपए किलो मिलती थी, वो 100 रुपए किलो हो गई, तुम डिमांड कैसे करोगे, कम करोगे ना। और कोई चीज पहले 100 रुपए किलो थी, अब वो 5 रुपए किलो होगी, तो ज्यादा खरीद लोगे नहीं खरीद लोगे। तो किसका इफेक्ट बता रहा हूं, प्राइस का इफेक्ट आपकी डिमांड पे बता रहा हूं, समझ पा रहे हो। और अगर मैं कह दूं किसी चीज की डिमांड बढ़ गई, नवरात्रों में आलू महंगे हो जाते हैं, सेब महंगे हो जाएंगे, केले महंगे हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि सभी लेडीज ने फास्ट रखे तो सबको क्या चाहिए, फ्रूट चाहिए, तो फ्रूट की डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ जाएगा। अभी डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे बताया है मैंने, समझ पा रहे हो। और जब किसी चीज की डिमांड कम हो जाती है, कोई खरीदेगा नहीं तो लोग उसको सस्ता कर देंगे, बताओ समझ आया कि नहीं आया, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। यहां पे प्राइस का इफेक्ट किस पे है, डिमांड पे, यानी चेंज प्राइस में होगा पहले, फिर डिमांड में क्या चेंज आया वो बताना है। यहां पे पहले डिमांड चेंज हो रही है, फिर बताना है प्राइस पे क्या फर्क आ रहा है, समझ आया, आ गया, नहीं आया, नहीं आया, दोबारा बताऊं, अरे दो बार तो बता दिया, एक बार और सुन लो, कोई बात नहीं। क्या बताया, जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, इसका इफेक्ट किस पे, तुम बताओ। चलो सर प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे है, और डिमांड बढ़ने पे प्राइस बढ़ा तो डिमांड का इफेक्ट प्राइस के ऊपर है। चलो वैसे तो हमारा पॉइंट सिर्फ इतना ही था कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, लेकिन आप जैसे अच्छे बच्चे मिले ना मेरे को पढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने फिर थोड़ा ज्यादा भी बता दिया तुम्हें, तो समझ लेना इसको ना। अभी ज्यादा समझ नहीं आ रहा तो बस ये फर्स्ट पॉइंट समझ लो, बाकी बातें तो बाद में डिस्कस होती रहेंगी। ये सारे पॉइंट जो मैंने बताया ना, आगे के चैप्टर का पॉइंट है, वैसे बता दिया मैंने तुम्हें अभी। चलो जी, सबसे 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गए हैं हम लोग, प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटीज। अब रिलेटेड कॉमोडिटीज क्या है, ध्यान से समझना। कोल्ड ड्रिंक पीते हो, हाँ पीते हो, चलो एक है फ्रूटी और एक है माजा, पता होगा ना ये तो आपको। अगर मान लो फ्रूटी 10 रुपए की है, माजा भी 10 रुपए की है, फ्रूटी वाले बोलते हैं हम तो 20 रुपए की करेंगे, क्वांटिटी उतनी है, और माजा वाले बोलते हैं हम 10 की रखेंगे, क्या आपको लगता है कि फ्रूटी की डिमांड पे माजा की डिमांड पे फर्क आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा, क्योंकि तो ऐसी चीजें हैं, अगर हम लोग माजा पी लेंगे फ्रूटी में क्या कुछ अलग थोड़ी ही है ना। तो देखो जब हम लोग बात करेंगे रिलेटेड कॉमोडिटी की बेटा, तो रिलेटेड कॉमोडिटी का पॉइंट में बना के दिखा रहा हूं, नोट करते रहो।
रिलेटेड कमोडिटी, दो पार्ट बनाऊंगा, एक बनाऊंगा सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा बनाऊंगा बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स जो ये मैंने यहां लिखी हुई है, ये सेम यहां लिखी, सब्स्टिट्यूट गुड्स हिंदी में इनका नाम क्या होता है, प्रतिस्थापन वस्तुएं जिन्हें एक दूसरे की जगह पे यूज किया जा सकता है, गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे अभी एग्जांपल लिखा था हमने फ्रूटी और माजा, क्या ऐसा है अगर फ्रूटी अवेलेबल नहीं है तो माजा पी लेंगे और माजा अवेलेबल नहीं है तो फ्रूटी पी लेंगे? हाँ सर बिल्कुल हो सकता, हो क्यों नहीं सकता, चाय कॉफी बॉल पेन इंक पेन वो सारे एग्जांपल हो सकते हैं ना इसके। तो फ्रूटी और माजा, अब देखो मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो एक बोतल आती है 300 ml की, है ना, आपने देखे हो ना कांच वाली बोतल आती है जो, वो ये मान लो 10 रुपए की है बेटा, ये भी 10 रुपए की, 10-10 रुपीज दोनों के प्राइस है। अब अगर फ्रूटी का प्राइस बढ़ गया, फ्रूटी हो गया 15 का और माजा का प्राइस कैसा रहता है, 10 ही रहता है बेटा, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा, प्राइस फ्रूटी का चेंज होगा, डिमांड माजा की बतानी है तुमने, ये नहीं बताना फ्रूटी महंगी होगी तो फ्रूटी की डिमांड कम हो जाएगी। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, प्राइस किसका बताऊंगा, पूछूंगा फ्रूटी का, तुम मुझे माजा की डिमांड बताना। अच्छा चलो बताओ, फ्रूटी का प्राइस बढ़ गया तो माजा की डिमांड बताओ क्या फर्क पड़ेगा? सर बढ़ जाएगी, बहुत बढ़िया शाबाश, क्योंकि लोग क्या करेंगे फ्रूटी को छोड़ के और माजा को पीना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा ये बताओ, फ्रूटी भी 10 की थी माजा भी 10 की थी, फ्रूटी का प्राइस हो गया कम, फ्रूटी 5 रुपए की होगी माजा 10 की है, तो माजा की डिमांड पे बताओ, सर माजा की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि माजा मिल रही है 10 की, लोग फ्रूटी पीना स्टार्ट कर देंगे। तो एक चीज का प्राइस चेंज होगा, इफेक्ट दूसरे पे आएगा। जब हम ये पढ़ेंगे ना प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी, इसका मतलब क्या है कि प्राइस होगा एक का चेंज, डिमांड होगी दूसरे की चेंज, ठीक है। तो ये देखो यहां प्राइस बढ़ा किसका, फ्रूटी का, डिमांड किसकी बढ़ गई, माजा की। देखो दिमाग लगाओ, इसको भूल जाओ, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है बेटा, सिंपल समझो, अगर प्राइस बढ़ा, फ्रूटी और माजा दो चीज है, तुम दुकान पे गए और 300 ml की दो बोतल रखी है, एक फ्रूटी की एक माजा की, तो वो कहता है कि फ्रूटी तो है 50 रुपए की, माजा 10 रुपए की है, तो बताओ क्या लोगे? अब माजा ले लोगे क्योंकि दोनों कैसे गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट हैं, एक दूसरे के जगह पे यूज हो सकती हैं। तो प्राइस बढ़ने से फ्रूटी महंगी हो गई तो माजा को लोग ज्यादा खरीद लेंगे, फ्रूटी सस्ती हो गई तो माजा को लोग कम खरीदेंगे, फिर फ्रूटी को खरीद लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां आप लिख सकते हैं पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, नोट करते रहो, ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। कैसे हुआ पॉजिटिव, बताया था ना, दोनों एरो कहां जा रहे हैं, ऊपर, या दोनों एरो कहां जा रहे हैं, नीचे, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो यहां हो गया पॉजिटिव रिलेशन बेटा। बात समझ में आ रही है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, एक्स और वाई दो गुड्स हैं, एक का प्राइस बढ़ने पे दूसरे की डिमांड बढ़ गई, बताओ पॉजिटिव रिलेशन है ना। यहां तो मैंने लिख दिया फ्रूटी माजा, एग्जाम में फ्रूटी माजा नहीं लिखा होगा, एग्जाम में क्या लिखा होगा, एक्स और वाई लिखा होगा, एग्जाम में क्या रहेगा, X है, X का प्राइस बढ़ गया, Y है, Y की डिमांड बढ़ गई, तो बताओ ये कौन सी गुड्स है, तो आपको पहचान लेना है कैसी गुड्स हो गई, सब्स्टिट्यूट। ये और समझाता हूं फिर और अच्छे से समझ में आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अच्छा ये आपने नोट कर लिया था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होती क्या है, विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, वैसे मैंने नीचे यहां लिख के भी दिया है सारा, जब मैं नीचे पढ़ाऊंगा ना ये सारा मैंने लिख के भी दिया है, भी नोटबुक तो बनानी है बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच फुलफिल्स द डिमांड टुगेदर,
जो एक साथ मिलके हमारी एक डिमांड को पूरा करते हैं, जैसे पेट्रोल कार। अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो लोग कार कैसे यूज करेंगे? कम यूज करेंगे ना, और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर पेट्रोल बिल्कुल सस्ता हो जाए तो लोग ज्यादा ज्यादा कार नहीं खरीदेंगे फिर। तो यहां पे देखो, एक एरो ऊपर गया तो एक एरो कहाँ आया? नीचे। एक एरो नीचे गया तो कहाँ आया? ऊपर। तो यहां पर क्या लिखोगे बेटा? नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, ये याद रखना है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, नोट कर लो। समझ भी आया कि नहीं आया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी हैं? जब दो चीजें मिलके किसी काम को पूरा करेंगी, जैसे कि ब्रेड और बटर। ब्रेड खाएंगे तो बटर लगा के खा रहे हैं हम लोग। सर हम तो वैसे भी खा लेते हैं, वो अलग बात है, बट बुक का एग्जाम्पल क्या है? ब्रेड बटर। अगर आप ब्रेड खा रहे हैं तो साथ में क्या खा रहे हैं? बटर खा रहे हैं। पेन और इंक, अगर पेन में इंक नहीं है तो पेन किस काम का, और खाली इंक है तो वो किस काम की। यानी जब दो चीजें मिलके बेटा एक काम को पूरा करेंगी, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हिंदी नाम बताऊं इसका? हिंदी नाम है पूरक वस्तुएं। पूरक मतलब दो चीजें मिलके एक काम को पूरा करती हैं। ठीक है, पूरक वस्तुएं। तो एक बार यहां नीचे पढ़ लो, एक बार देखो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गुड्स विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर और साइमल्टेनियसली, जिनको एक साथ कंज्यूम किया जाता है। अब कार चलाओगे तो पेट्रोल साथ में लगेगा ना। और सब्स्टिट्यूट गुड्स आर गुड्स विच कैन बी यूज विद ईज इन प्लेस ऑफ वन अनदर। ईज का मतलब आसानी से, जिनको एक दूसरे की जगह पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलो एक बात याद आके बताता हूं तुम्हें क्या करना है। 9729070795, इसके ऊपर तीन तीन एग्जाम्पल, तीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के, तीन सब्स्टिट्यूट गुड्स के, विद योर नेम। आप मुझे व्हाट्सएप करो, देखता हूं तुम्हें यह समझ आया कि नहीं आया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं। बताइए। चलिए मैं वेट कर रहा हूं आपके मैसेज का। एक बच्चे का मैसेज आया है, सर थप्पड़ और मुक्का क्या ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं? बेटा ये सब्स्टिट्यूट तो हैं, लेकिन ये कोई गुड्स थोड़ी हैं। बाजार में जाके ऐसे बोलते हो, अंकल 5 रुपए के थप्पड़ देना, 5 रुपए के मुक्के देना? नहीं सर, इनको यूज तो कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पे, यूज कर सकते हो, थप्पड़ मार सकते हो, मुक्का मार सकते हो, बट हमें तो क्या पढ़ना है? गुड्स भी तो देखना है ना। हाँ देखिए एग्जाम्पल। ओहो ये तो आपने यहां से चिटिंग कर लोगे। एक कंडीशन और लगा देता हूं, टी शुगर पेन इंक मोटर बाइक कार और पेट्रोल, टी कॉफी इंक पेन बॉल पेन, इनके अलावा नए एग्जाम्पल बताने हैं। ये एग्जाम्पल मैं नहीं मानूंगा, अगर तुमने ये भेजे मैं नहीं मानूंगा, ये चिटिंग मानी जाएगी। ठीक है, इस नंबर पे जब तुम तीन तीन एग्जाम्पल भेजोगे ना मेरे को सब्स्टिट्यूट कर कॉम्प्लीमेंट्री के, वो इनके अलावा होने चाहिए। पहले ये बता दो समझ तो आ गया ना, कभी फिर बाद में कहो सब पढ़ा दिया सर समझ ही नहीं आया कुछ भी। अरे भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं? क्या देख रहे हो ऐसे, क्या देख रहे हो? समझ आया कि नहीं आया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं? वो गुड्स जब दो चीजें होंगी, दोनों को एक साथ यूज करेंगे तो हमारी नीड फुलफिल हो रही है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है? कि एक होगी तो काम चलेगा, दूसरी होगी काम चलेगा, एक नहीं है तो दूसरी जगह दूसरी को यूज कर सकते हैं। जैसे टी और कॉफी है, चाय है तो चाय पी लेंगे, चाय नहीं है तो कॉफी पी लेंगे। समझ पा रहे हो? तो ये हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। बताओ क्या क्या बातें समझ में आई, क्या क्या बातें समझ में आई? पहला, दो तरह के मैंने बताए गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी में, और रिलेटेड कॉमोडिटी में क्या पढ़ना है? प्राइस एक चीज का चेंज होगा, डिमांड दूसरे की चेंज होगी।
ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी बताई बेटा मैंने, जो बताओ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी बताई है सर? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जब दो चीजें होंगी तो वो मिलके काम पूरा करती हैं। और सब्स्टिट्यूट कौन सी बताई बताओ, एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकती हैं। याद रखने वाली बात ये है बेटा, पॉजिटिव रिलेशन नेगेटिव रिलेशन। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये देखो यहां लिखा भी है मैंने तुम्हारे लिए, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी विल डिक्रीज द डिमांड फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कैसा रिलेशन हो गया? नेगेटिव। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी विल इंक्रीज द डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट। कैसा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, एक्स का प्राइस बढ़ गया, एक्स का प्राइस बढ़ गया, वाई की डिमांड कम हो गई, बताओ ये कौन सी गुड्स हैं? ये सब्स्टिट्यूट हैं या कॉम्प्लीमेंट्री हैं? अगर तुमने ये बता दिया तो मैं मान लूंगा तुम्हें समझ आ रहा है। कैसा रिलेशन है बताओ, एक बढ़ रहा है घट रहा है, कैसा? नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव कौन से में होता है? सब्स्टिट्यूट में होता है। अरे नहीं पागल, किस में होता है? कॉम्प्लीमेंट्री में होता है नेगेटिव। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लो जी थर्ड टॉपिक पे आते हैं हम लोग, आज की क्लास में तीन ही टॉपिक करवाऊंगा और ये तीनों ही हैं सबसे इंपॉर्टेंट, आगे वाले तीन भी इंपॉर्टेंट है बट ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है। लेवल ऑफ इनकम ऑफ द बायर, तो पहले समझ लो, पहले समझ लो फिर बताता हूं। लेवल ऑफ इनकम ऑफ बायर, इसके बेटा दो टाइप बना देना, एक है नॉर्मल गुड्स, हिंदी का इसका नाम होता है सामान्य वस्तुएं, और दूसरा है इंफीरियर गुड्स, हिंदी में इसका नाम होता है घटिया वस्तुएं, इट मींस लो क्वालिटी गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स जिनकी क्वालिटी लो है। ठीक है, सस्ते कपड़े, सस्ता अनाज, इस तरह से। अब देखो क्या होगा, नॉर्मल गुड्स हैं, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी हम ज्यादा खरीदेंगे, जैसे जैसे हमारे पास इनकम ज्यादा आती है तो हम क्या करते हैं, हम डिमांड बढ़ा देते हैं ना। सॉरी मैंने प्राइस लिख दिया गलती से, यहां इसको ठीक कर लेना बेटा, ये क्या है, इनकम आएगा यहां पे, इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और इनकम कम हो गई, पैसे कम हो गए हमारे पास तो हम डिमांड कम कर देंगे, आप चाहो तो क्वांटिटी की जगह डिमांड भी लिख सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? इनकम बढ़ेगी तो हम ज्यादा खर्चा कर लेंगे, डिमांड बढ़ा देंगे, इनकम कम होगी तो कम खर्चा करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। बताओ कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कैसे एरो दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, दिख भी रहे हैं एरो तुम्हें, ये एक ये ऊपर जाने वाले, दोनों ऊपर जा रहे हैं, या दोनों एरो क्या हो रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं, इसमें दोनों नीचे हैं, इसमें दोनों ऊपर हैं, तो क्या लिखोगे? पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, मतलब मैं पूछूंगा इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है, इनकम में चेंज होने से डिमांड में कैसा चेंज आया, तो नॉर्मल गुड्स में कैसा आता है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, इनकम कम होती है तो डिमांड कम होती है, समझे? तो इसलिए क्या है, पॉजिटिव। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, नॉर्मल गुड्स का इनकम इफेक्ट कैसा होता है, नॉर्मल गुड्स का इनकम इफेक्ट कैसा होता है, इनकम इफेक्ट मतलब इनकम में चेंज आने से डिमांड में कैसा चेंज आ रहा है, तो क्या बोलोगे, पॉजिटिव। इंफीरियर में देखो, देखो लो क्वालिटी की चीजें, पहली बात तो देखो कौन लोग लो क्वालिटी की चीजें परचेज कर रहे होंगे, गरीब लोग ना, जिनके पास पैसा नहीं है, मजबूरी है। आज के दिन में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कौन लेके आएगा, किसी को शौक है कि मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखूं? वही लोग ना जिनके पास पैसा नहीं है, उनके पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मान लो पुराना भी पड़ा है, अब अगर उसकी इनकम बढ़ गई, उसके पास खूब पैसे आ गए, तो वो क्या करेगा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को छोड़ देगा और नया टीवी लेके आएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा?
इनकम बढ़ने से हम लोग डिमांड कर देंगे इनकी कम, क्योंकि हम लोग इससे इंफीरियर से कहां शिफ्ट हो जाएंगे, नॉर्मल पे, लो क्वालिटी गुड्स को छोड़ देंगे और हम लोग बढ़िया चीजें लेना स्टार्ट कर देंगे। और अगर इनकम कम हो जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि जिसकी इनकम ज्यादा थी अब उसकी इनकम कम हो गई तो वो बढ़िया क्वालिटी की चीजें ले नहीं सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, अब लो क्वालिटी की चीजें लेनी पड़ेंगी। तो याद क्या रखना है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट, ये नोट कर लेना। अब मैं बाद में पूछूंगा, बताओ पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट किसका था और नेगेटिव प्राइस इफेक्ट, सॉरी, नेगेटिव इनकम इफेक्ट किसका था और पॉजिटिव इनकम इफेक्ट किसका था, ये मैं पूछूंगा तुमसे। मतलब नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब क्या, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड में इनवर्स चेंज आएगा, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम, और यहां पे इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी पॉजिटिव वाले केस के अंदर। ठीक है, अब एक बार यहां से पढ़ लेते हैं। देखो देखो, द डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मनी इनकम ऑफ हाउस होल्ड। जनरली जनरली क्या होता है, लार्जर द मनी इनकम ऑफ हाउस होल्ड हायर इज द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए पर्टिकुलर कॉमोडिटी। ठीक है, ये बताओ कौन से वाली गुड्स की बात की, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ी, ये बात हो रही है बेटा नॉर्मल गुड्स की, क्योंकि यहां पे इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है। बट एक बात ध्यान से समझ लो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन इनकम नीड नॉट बी ऑफ सेम प्रपोर्शन। ऐसा नहीं है, इनकम पहले 100 थी, डिमांड 50 की थी, ठीक है, अब इनकम 200 हो गई तो डिमांड 100 हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि इनकम डबल होगी तो हम लोग डिमांड भी डबल करेंगे, लेकिन इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, कितनी बढ़ेगी वो अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इनकम डबल तो डिमांड भी डबल हो जाएगी। समझ गए मेरी बात, समझ आया कि नहीं आया। तो यहां से क्या कर रहे हैं, लार्जर द मनी इनकम हायर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि नॉर्मल गुड्स की बात कर रहा है, लेकिन एक बात साथ में मैंने क्लियर कर दी है क्या, कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी तो इनकम के प्रपोर्शन में होगी, ये जरूरी नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं, हाउएवर देर आर सर्टेन गुड्स फॉर विच क्वांटिटीज डिमांडेड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी, इसका नाम क्या है बेटा, ये देखो लिखा है यहाँ पे इंफीरियर गुड्स, या नाम क्या है, लो क्वालिटी गुड्स। ये समझ आ गया ना तुम्हें क्यों है ऐसा, क्योंकि जब किसी की इनकम बढ़ेगी उसके भी तो भाई मन में अरमान है ना कुछ, मेरे पास ज्यादा पैसे आएंगे तो मैं भी बढ़िया चीजें लेके आऊं, तो लो क्वालिटी चीजों को छोड़ के बढ़िया चीजों पे शिफ्ट हो जाता है। समझ गए, अब दो क्वेश्चन और समझ लो, ध्यान से समझना। एज इनकम लेवल इंक्रीजेस डिमांड फॉर गुड्स सेटिस्फाइंग नेसेसिटीज, नेसेसिटी का मतलब क्या, ऐसी चीजें जिनसे हमारी नेसेसरी डिमांड्स पूरी होती हैं, जैसे कि रोटी, ठीक है, कपड़ा, विल बी लेस देन प्रपोर्शनेट। अच्छा ये बताओ, मेरी इनकम है 50,000 रुपये महीना, ठीक है, और मैं एक दिन में 10 रोटी खाता हूं, अभी मेरी इनकम 2 लाख रुपए महीना होगी, तो क्या मैं 40 रोटी खाऊंगा डेली की, क्यों सर क्या मजाक कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, रोटी थोड़ी बढ़ाएंगे हम लोग। तो यही तो मैं कह रहा हूं बेटा, जो नेसेसरी चीजें हैं ना हमारे लिए, अगर हमारी इनकम का लेवल बढ़ जाता है तो नेसेसरी चीजों में ज्यादा डिमांड में फर्क आता नहीं, क्योंकि इनकम कम होने पे भी तब भी तो हम उनको कंज्यूम कर ही रहे थे, क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए कैसी चीजें थी, वो हमारे लिए नेसेसरी चीजें थी। क्वेश्चन क्या समझ आया यहां से, पॉइंट क्या समझ में आ रहा है, कि अगर इनकम बढ़ जाती है तो नेसेसरी चीजों की डिमांड बढ़े दोगी, लेकिन थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि पहले से डिमांड तो बेटा कर ही रहे थे हम लोग, है ना। इनकम बढ़ने पे तो हम क्या करते हैं, हम टीवी लेके आते हैं, हम फ्रिज लेके आते हैं, हम एसी लेके आएंगे, हम कार लेके आएंगे, लैपटॉप लाएंगे, मोबाइल लाएंगे, आईफोन लाएंगे, ऐसा करेंगे ना। तो इनकम बढ़ने से ज्यादा फर्क किन चीजों में पड़ेगा, लग्जरी चीजों में पड़ेगा, नेसेसरी चीजों में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो बेटा आप लोग पहले से कंज्यूम कर ही रहे थे। समझ आया पॉइंट क्या है, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, इनकम बढ़ने से जो चेंज आता है नेसेसरी गुड्स के लिए वो ज्यादा आता है कम आता है, तो क्या बोलोगे, कम आता है, और ज्यादा किस में आएगा, लग्जरी में। देखो, एज इनकम लेवल इंक्रीजीज पीपल बिकम रिचर, लोग जब अमीर हो जाते हैं, देयर इज रिलेटिव डिक्लाइन इन इंपोर्टेंस ऑफ नेसेसिटीज, तो वो नेसेसिटी को कम फर्क डालेगा बल्कि किस में डिमांड बढ़ाएगा, ये क्या कह रहा है,
नेसेसरी की कंजम्पशन पैटर्न कम होके राइज इन इंपोर्टेंस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, टीवी, कार, हाउस, इन पे ज्यादा पैसा खर्च करना चाहेगा। समझ पा रहे हो? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, तीन पॉइंट पढ़ाया ना मैंने, तीनों पॉइंट दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुन लो, देख लो। अब बताओ नॉर्मल गुड्स कैसे बताई थी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ऐसा तो होता है जनरली। तो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट का मतलब क्या बताया, इनकम बढ़ने से डिमांड में कैसा चेंज आ रहा है, ठीक है। इंफीरियर गुड्स में क्या बताया, नेगेटिव इनकम इफेक्ट, मतलब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम कर दूंगा। बताओ क्यों कर देंगे, क्योंकि ये लो क्वालिटी की चीजें हैं, जब हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा तो हम लोग फिर बढ़िया क्वालिटी की चीजों पे शिफ्ट हो जाएंगे, इनको छोड़ देंगे, ठीक है। फिर यहां से वही दो बातें रिपीट होगी बेटा, एक नॉर्मल गुड्स वाली हो गई और एक इंफीरियर गुड्स वाली होगी। नोट करते रहना, नोट नहीं करोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। और फिर ये समझ में आया कि इनकम जब बढ़ेगी, इनकम में जब चेंज आएगा तो डिमांड में जो चेंज है वो प्रोपोर्शनल नहीं आता, नेसेसरी गुड्स में कम चेंज आता है डिमांड में, नेसेसरी गुड्स की डिमांड कम बढ़ेगी, जबकि ज्यादा किसकी बढ़ेगी, लग्जरी गुड्स की, ड्यूरेबल गुड्स की ज्यादा बढ़ेगी। आ गया समझ? चलो जी, अब ये बताओ तुम्हें याद है कि नहीं है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटीज दो बताए थे ना, कौन कौन से बोलो, एक सब्स्टिट्यूट एक कॉम्प्लीमेंट्री। बताओ सब्स्टिट्यूट क्या बताया था सर, वो चीजें जिनको हम लोग एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी बताई थी सर, वो चीजें जब दोनों होंगी तभी काम हमारा पूरा होगा। अब बिना देखे बताओ मेरे को कि सब्स्टिट्यूट में रिलेशन कैसा था, पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री में कैसा था, नेगेटिव, क्योंकि जब दो चीजें हैं दोनों से काम चल सकता है तो मैं सस्ती वाली खरीदूंगा ना, तो जिसका प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड करके दूसरे की क्वांटिटी हम लोग बढ़ा देते हैं, उसको ज्यादा परचेज करते हैं, है ना। और पहला पॉइंट तो बहुत ही आसान था बेटा, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अब करना क्या है, लास्ट में आपको फिर से मेरा नंबर दे रहा हूं, क्लास को पूरा देखो, अगर कोई डाउट है तो ये मेरा नंबर, इस पे करो व्हाट्सएप और अपने डाउट ले लो, ठीक है। चलिए बेटा, फिर बाकी के बचे हुए पॉइंट हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज आप इतने ही पॉइंट्स को पढ़ लीजिए क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।